एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन मेंटोर पे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी नई सीरीज स्टार्ट हुई है आरआरबी एनटीपीसी के अंदर हम जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर यदि हमारे पास टाइम बचेगा तो मैं जो इंडिविजुअल कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो भी कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आरआरबी के जो प्रीवियस ईयर के सेट हैं, हमने कुछ प्रीवियस ईयर के सेट निकाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के जो आए हुए हैं। ये एक्चुअली क्वेश्चन आपको इजी लग सकते हैं, लेकिन ये सारे की सारे क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। सीबीटी वन जो भी एनटीपीसी का होता है उस सीबीटी वन में आए हुए क्वेश्चन हैं ये हमारे पास, ठीक है। तो हो सकता है आपको ईजी लगे, लेकिन हम इनको ट्राई करेंगे और फिर जैसे जैसे हम क्वेश्चन आगे बढ़ाते जाएंगे थोड़ा सा लेवल उनका अच्छा होता जाएगा, और मैं कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से भी आपको कराऊंगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में पीडीएफ है ये हमारे पास में हिंदी में है, तो इंग्लिश में मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता जाऊंगा कि इसका क्या मतलब है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि यदि आपके पिता आपकी माता होते, मतलब एक तरीके से ये इंडिकेशन वाली जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं, ये वन लाइनर्स के साथ साथ ये इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस की हमेशा एक विशेषता, एक क्वालिटी होती है कि सपोज यदि मैंने ए बोला तो अब ये ए को रिप्रेजेंट ना करके बी को करेगा, इसी तरीके से बी सी को करेगा। तो यही चीज़ यहाँ पैटर्न फॉलो होता है। क्या लिखा हुआ है, यदि आपके पिता आपकी माता हैं, तो इसका मतलब जो आपके पिता हैं वो माता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। माता होते आपकी माता आपका भाई, इसका मतलब माता किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, भाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ब्रदर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपका भाई आपकी बहन, इसका मतलब भाई, या जब भी आप भाई की तरफ देखेंगे तो किसका नाम बोलेंगे, बहन का। जब भी पिता की तरफ देखेंगे माता का नाम बोलेंगे, माता की तरफ देखेंगे भाई का नाम बोलेंगे, भाई की तरफ देखेंगे बहन का नाम बोलेंगे। और आपकी बहन आपके पिता होते, मतलब ये चेन कंप्लीट हो गई। इस तरीके से चार लोगों की चेन बनी, बहन क्या बन गए, पिता बन गए। तो अब ये बताना है तो आप अपनी बहन को क्या कहेंगे। तो जब भी आप अपनी बहन को देखेंगे आपके उसके अंदर क्या दिखेंगे, आपके पिता। इसका मतलब आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर वन इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि यदि अध्यापक किताबों को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये एनालॉगी के क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन हम अभी ये कर रहे हैं ये एनालॉगी के क्वेश्चन है, ठीक है। एनालॉगी के क्वेश्चंस की एक ही क्वालिटी होती है कि यहाँ पे कोई ना कोई रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, तो वही रिलेशन हमें हर जगह पे फाइंड आउट करना होता है। जैसे यहाँ बोल रहा है कि यदि इफ टीचर इज रिलेटेड टू बुक्स, यदि अध्यापक का रिलेशन किताबों से है, ठीक है, तो ये बताना है कि डॉक्टर का रिलेशन किससे होगा, मतलब चिकित्सक का रिलेशन किससे होगा। तो आपको ये चीज पता होगी कि जितने भी टीचर्स होते हैं वो अपनी स्टडी कहाँ से देखते हैं, या जो भी एनालिसिस करते हैं वो कहाँ से करते हैं, किताबों से करते हैं। और एक जो हमारे पास में डॉक्टर होता है वो बॉडी का एनालिसिस किससे करता है, स्टेथोस्कोप से करता है, ठीक है। बिना स्टेथोस्कोप से वो बॉडी की जांच नहीं कर सकता। इसी तरीके से जिस तरीके से जो एक टीचर होता है बिना किताब के आपको कोई भी कंटेंट डिलीवर नहीं कर सकता, या अपनी नॉलेज को एनहांस नहीं कर सकता, ठीक है। एप्रेंट बोल सकते थे, लेकिन एप्रेंट एक ऐसी चीज है जो ये डिनोट करती है कि ये आपके पास में एप्रेंट, देखो बहुत सारी जगहों पे भी पहना जा सकता है, केवल डॉक्टर ही एप्रेंट नहीं पहनते, बहुत सारी लेबोरेटरीज के अंदर भी साइंटिस्ट ये सब जो लोग एप्रेंट का यूज करते हैं, तो उससे चिकित्सक या डॉक्टर के बारे में कुछ पता नहीं चलता, ठीक है। लेकिन हाँ, स्टेथोस्कोप का जब भी नाम लिया जाता है तो ऑलवेज चिकित्सक या डॉक्टर का नाम लिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास में जिस तरीके से अध्यापक किताबों से रिलेट करते हैं उसी तरीके से चिकित्सक यानी डॉक्टर जो है वो स्टेथोस्कोप से रिलेट करेंगे। अच्छा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका क्लॉक का क्वेश्चन है। मैं क्लॉक का एक पूरा टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा अलग से, ठीक है। डाइसन क्यूब्स भी मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन उसमें साउंड प्रॉब्लम की वजह से कुछ दिक्कत आई थी, मैं दोबारा उसको भी लूंगा। देखो क्लॉक के अंदर ये ध्यान रखो, हमेशा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर वो आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो इस क्वेश्चन के अंदर तो कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर तो ये बोला है कि 1 घंटे का 1 मिनट और 12 सेकंड का कितना प्रतिशत होगा। वो ये कहना चाह रहा है कि 1 मिनट एंड 12 सेकंड, ठीक है, ये जो है ये 1 आर का कितना परसेंट है। ऐसे निकालते हैं ना परसेंट मल्टीप्लाइड बाई 100, बस ये करना है। तो देखो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, जब मैं 1 मिनट और 12 सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 1 मिनट में 60 सेकंड हो गए, और ये टोटल आपके पास में 72 सेकंड हो गए, ठीक है, 72 सेकंड। और एक आर में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 7 होते हैं, तो 60 into 60 मतलब 3600।
ये आपके पास में सेकंड हो गए 1 आवर में और मल्टीप्लाइड बाई 100। अब कुछ नहीं करना, इन दो जीरो से ये दो जीरो काट दो और 36 से 72 टू टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना परसेंट आंसर आ गया, 2% आंसर आ गया। मेरे हिसाब से सबको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, इसमें क्लॉक का कोई भी कंसेप्ट नहीं लगा। क्लॉक का कंसेप्ट हम सीखेंगे, क्योंकि क्लॉक के कंसेप्ट के अंदर इतना मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम क्लॉक की बात करेंगे तो वहां पे हमेशा 1 सेकेंड, 1 मिनट, ठीक है, और 1 आवर, ये हमेशा एक पर्टिकुलर डिग्री को शो करते हैं, ठीक है। जब आप 1 सेकेंड जाते हैं ना, जब आप वन, आपकी सेकेंड की सुई एक आगे बढ़ती है तो वो 6 डिग्री कवर करती है, ठीक है। कैसे करती है देखो मैं बताता हूँ। 5 सेकेंड जब आप बोलते हो तो 5 सेकेंड में वो 12 से 1 पे आ जाती है, 1 से 2 पे आ जाती है, तो इसका मतलब 12 से 1 पे आने के लिए वो कितनी बार चलती है, 5 बार, और 1 में 6, तो टोटल कितने डिग्री का एंगल बन गया, 30। और आप अगर देखोगे तो ये जो आपके पास में क्लॉक होती है, अगर ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, तो ये 1 और 2, ये 4 और 5, ये 7 और 8, और ये 10 और 11 जो आपके पास होते हैं, ये अगर 90 है तो ये 30 और 30, देखो 30 30 30, तो 12 से 1 के बीच का कितना हुआ, 30, और हमने क्या कहा, 6 डिग्री 1 सेकंड में, तो 5 सेकंड, ये 5 सेकंड के बराबर होता है, तो 5 सेकंड में कितना, 30 डिग्री, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही जब मैं 1 मिनट की बात करता हूँ तो 1 मिनट और 1 आवर, ये दोनों चीज़ें हम चेक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजीव कहता है, किसको पॉइंट करते हुए, राजीव सेड पॉइंटिंग टू अ गर्ल, राजीव एक लड़की को इंडिकेट करते हुए क्या कहता है। तो राजीव एक लड़की को इंडिकेट करते हुए क्या कहता है, देखते हैं। गर्ल है तो माइनस राजीव, देखो हमेशा ध्यान रखना नाम से कभी भी जेंडर डिफाइन नहीं होगा, इसलिए मैं राजीव का जेंडर नहीं जानता, ठीक है। राजीव सेड पॉइंटिंग टू अ गर्ल, क्या कहता है कि शी इज द ओनली डॉटर, कौन, शी मतलब ये गर्ल, शी इज द ओनली डॉटर की एक लौती बेटी है, इसके अलावा और कोई बेटी नहीं है, बेटा हो सकता है। शी इज द ओनली डॉटर किसकी, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर, किसकी लौटी बेटी है, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर, फादर ऑफ माई, माई मतलब राजीव की कोई बहन होगी, सिस्टर होगी, ठीक है, उसके पिता राजीव के पिता होंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है, फिर से बोल देता हूं। राजीव सेट पॉइंटिंग टू अ गर्ल, एक लड़की को राजीव इशारा करते हुए क्या कहता है कि ये लड़की जो है ये एक लौती बेटी है, किसकी, ऑफ द फादर, ऑफ द फादर, किसके फादर, मेरी बहन के फादर की एक लौती लड़की है। अच्छा, तो मेरी बहन, मेरी मतलब राजीव, राजीव की बहन के जो पिता होंगे उनकी एक लौती बेटी अगर ये लड़की है तो क्या वो ये सिस्टर नहीं हो गई, क्योंकि लड़की उनकी एक ही है और वही राजीव की सिस्टर भी है, इसका मतलब ये लड़की और सिस्टर एक ही हो गए। तो रिलेशन समझ में आ गया यहाँ से कि राजीव के दो चाइल्ड हैं जिनमें से एक राजीव, सॉरी, फादर के दो चाइल्ड हैं जिसमें से एक राजीव है और एक उसकी सिस्टर है, तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया। अब क्या पूछ रहा है, इफ सो, क्या पूछा है उसने, इफ सो हाउ इज, इफ सो हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू द राजीव, तो गर्ल राजीव से कैसे रिलेट करेगी, तो ये गर्ल राजीव की कौन हो गई, सिस्टर, तो आंसर क्या आ जाएगा, तो वो गर्ल राजीव की क्या लगी, सिस्टर लगी। बात समझ में आ गई क्या, फिर से बता देता हूं, राजीव ने एक लड़की को इंडिकेट करते हुए क्या कहा है कि ये जो लड़की है ये राजीव की बहन के पिता की एक लौटी बेटी है, अगर ये लड़की राजीव की बहन के पिता की एक लौटी बेटी है तो राजीव की बहन ही तो हुई, क्योंकि एक लौटी है, इसका मतलब एक से ज्यादा लड़की उसके फादर की हो भी नहीं सकती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हो, मुझे इतना लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, ना आपको लेने की जरूरत है, लेकिन हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि अगर हमारे पास जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं सारे सही होने चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जब इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले, कोई भी वर्ड से आप नंबर ला रहे हैं, कोई भी वर्ड से आप नंबर ला रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर जनरली केस में यही रहता है कि वो जो लेटर है वो पर्टिकुलर नंबर को उसी सीक्वेंस में फॉलो करता है, जैसे ए 1 को रिप्रेजेंट करेगा, एम जो है वो 7 को रिप्रेजेंट करेगा, ई जो है वो 3 को रिप्रेजेंट करेगा, आर जो है वो 4 को रिप्रेजेंट करेगा, आई जो है वो 6 को रिप्रेजेंट करेगा, सी जो है वो 5 को रिप्रेजेंट करेगा, और ए ऑलरेडी 1 को कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो, देखो ए 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई जो है वो 6 को कर रहा है, जो यहाँ पे भी कर रहा था और यहाँ पे भी कर रहा है,
इसका मतलब बात समझ में आ रही है कि लेटर जो हैं ये उसी ऑर्डर में उन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसने क्या पूछा है, तो बताइए तब आप कनाडा को किस प्रकार लिखेंगे। तो कनाडा को लिखना है ना, अभी अभी हमने देखा कनाडा का सी है तो सी 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमने 5 लिख दिया। ए अभी अभी हमने देखा 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 लिख दिया। एन अभी अभी हमने यहाँ देखा 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 लिख दिया। इतना मिल गया 1518, और कहीं भी 518 का कॉम्बिनेशन नहीं है तो यही आंसर हो गया। तो हमें पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस हमें शॉर्ट फॉर्म में काम करना है ताकि हमारा टाइम भी बचे और हमारे नंबर भी ना कटे। यहां तक बात अगर सबको समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए इज द सन ऑफ बी, यदि ए बी का बेटा है, ठीक है, ए इज द सन ऑफ बी, तो मैं यहां मार्क कर देता हूं कि ए बी का बेटा है। इफ ए इज द सन ऑफ बी एंड इज, एंड हमेशा ध्यान रखो, मैंने पहले भी बताया है कि एंड हमेशा फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता है, तो मतलब ये एंड ए के लिए आया है। ए एक तो बी का बेटा है, और ए इज द फादर ऑफ सी, ए किसका पिता है, तो ए किसका पिता है, सी का पिता है। ए किसका पिता है, ए सी का पिता है, जिसका जेंडर हमें नहीं पता। तो हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो देखो ए जो है वो बेटा है बी का और पिता है सी का, तो हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो बी का जेंडर नहीं पता, बी क्या लगता है सी का, तो बी ग्रैंड फादर भी लग सकते हैं मतलब दादा भी लग सकता है, और ग्रैंड मदर भी लग सकते हैं मतलब दादी भी लग सकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रैंड पेरेंट्स। पेरेंट्स क्यों बोला, क्योंकि इसमें फादर और मदर, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर दोनों आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। ग्रैंड चाइल्ड क्यों नहीं हुआ, उसने पूछा क्या है, हाउ इज बी, बी कैसे रिलेट करता है सी से, तो बी का रिलेशन सी के साथ पूछा है ना कि बी सी का कौन लगा, तो जब वो ये पूछ रहा है कि बी सी का कौन लगा, तो उस केस में हम यही बताएंगे कि बी जो है वो ग्रैंड पेरेंट है। अगर इसकी जगह वो ये पूछ लेता हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, सी बी का क्या लगा, तो सी तो बी का ग्रैंड चाइल्ड लगा, बच्चा लगा उसका, ठीक है, उसका या तो पोता लगा या नाती लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मोहन रोहित से लंबा है। देखो ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे होते हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छे तो नहीं पर थोड़े से लेवल के अच्छे होते हैं। दिया है मोहन रोहित से लंबा है, या किसके लिए यूज किया जाता है हमेशा, और का इस्तेमाल, या हिंदी में और इंग्लिश में, और इंग्लिश का और हिंदी का या हमेशा फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता है। तो मोहन रोहित से लंबा है या फरहान से ठिगना है, तो मोहन किससे लंबा हो गया, रोहित से, और फरहान से ठिगना मतलब छोटा, तो यहां मैं फरहान लिख देता हूं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अगला क्या कह रहा है, अगला हमें कह रहा है यहाँ पे कि कानन, कानन किसी बच्चे का नाम है, तो ये जो कानन है ये कानन मोहित मोहन से ठिगना है, तो कानन मोहन से ठिकना है तो कानन मोहन के नीचे आएगा, ये तो मुझे समझ में आ गया। लेकिन लेकिन किसके लिए आया, कानन के लिए, लेकिन कानन हमेशा ध्यान रखो लेकिन या ये दोनों ही फर्स्ट पर्सन को डिनोट करते हैं, तो यहाँ फर्स्ट पर्सन कौन है, कानन। कानन मोहित से ठिकना है लेकिन मतलब कानन के लिए आया है, लेकिन कानन रोहित से लंबा है। देखो मोहित से तो ठिकना है लेकिन रोहित से लंबा है, इसका मतलब अगर मुझे इसे बनाना है तो मैं क्या बनाऊंगा, फरहान, फिर मोहित, फिर कानन और फिर रोहित। यहां तक बात समझ में आ गई, रोहन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शंकर जो है, शंकर रोहन और फरहान से लंबा है, तो शंकर रोहन से भी लंबा है और फरहान से भी लंबा है, इसका मतलब शंकर सबसे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि फरहान से जो लंबा हो गया वो बाकी सबसे ऑटोमेटिकली लंबा हो गया, तो ये एक ऑर्डर बन गया एक। तो अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि इन सब में सबसे लंबा कौन है, हु इज द लॉन्गेस्ट, ठीक है, इन दिए हुए में सबसे लंबा कौन है, आंसर आ जाएगा शंकर, शंकर इज द टॉलेस्ट। बात समझ में आ गई, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि वक्तव्य जो आपको दिया हुआ है, वक्तव्य मतलब स्टेटमेंट हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड को पढ़े, जो स्टेटमेंट है उसके फर्स्ट और सेकंड, वक्तव्य को हमेशा ध्यान रखो, इंग्लिश मीडियम वालों को बता रहा हूं, वो ये ना कहें कि ये क्या नई चीज आ गई, स्टेटमेंट इसको बोलते हैं, निष्कर्ष होता है कंक्लूजन, निष्कर्ष होता है कंक्लूजन। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि कुछ पक्षी गधे हैं। देखो पक्षी का मतलब हो गया बर्ड्स, ठीक है, और गधे हैं का मतलब हो गया डोंकी, ठीक है, और सब गधे बेवकूफ हैं, तो ऑल डोंकीज आर, ठीक है, बेवकूफ को बी भी लिख सकते हो आप, और बेवकूफ को अगर आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, यहां पे हम इसको बेवकूफ का बे ही लिख देते हैं, बेवकूफ। ठीक है, तो यहां से मैं अगर हिंदी में बनाना चाहूं तो ये तो बेवकूफ हो गया, ये बर्ड का ये पक्षी हो गया, ठीक है,
और यहाँ पे अगर हम चाहें तो ये डोंकी मतलब गधे हो गए, ठीक है, और ये बेवकूफ हमने लिख ही दिया। तो यहाँ पे हमारे पास में अगर मैं आगे चलूँ तो निष्कर्ष यानी कंक्लूजन में उसने पूछा है कि कौन सा कंक्लूजन राहित होगा, तो उसने क्या पूछा है, निष्कर्ष 3 और 4 भी पढ़ें और पढ़ने के बाद क्या करें कि जिन्हें वक्तव्य से विकृत किया गया हो, ठीक है, जिन्हें वक्तव्य से विकृत किया गया हो, चलो देखते हैं कि इसमें से कौन सा सही होगा। देखो अच्छा, अगर यहां मैं एक स्टेटमेंट कह रहा हूं, कंक्लूजन कह रहा हूं, तो चुनाव करें कि कौन सा निष्कर्ष सही है, केवल 3 सही है, केवल 4 सही है, 3 और 4 दोनों सही है, और 3 और 4 में से कोई सा भी सही नहीं। चलो देखते हैं, 3 क्या कह रहा है कि सब पक्षी जो है वो बेवकूफ हैं, ऑल बर्ड्स आर फूल्स, ठीक है, सब पक्षी बेवकूफ हैं, तो सभी पक्षी क्या बेवकूफ हैं, नहीं, वही पक्षी बेवकूफ हैं जिनका रिलेशन डोंकी के साथ है, सभी नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, कुछ पक्षी बेवकूफ हैं, तो जब वो कह रहा है कि कुछ पक्षी बेवकूफ हैं तो पक्षी का कुछ पोर्शन है वो डोंकी के साथ कनेक्टेड है, वो हमेशा कनेक्टेड रहेगा, और सारे डोंकी किसके अंदर है, बेवकूफ के अंदर है, तो डेफिनेट सी बात यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई कि कुछ पक्षी बेवकूफ हैं। यस, बिल्कुल सही, वो कुछ पक्षी बेवकूफ हैं जो डोंकी हो चुके हैं, बात समझ में आ गई, वो पक्षी बेवकूफ हैं जो डोंकी हो चुके हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड, सेकंड का मतलब ओनली फोर्थ, क्योंकि यहाँ सेकंड और थर्ड नाम का कोई चीज नहीं है, निष्कर्ष का नंबर है थर्ड और फोर्थ, तो केवल चौथा सही है, तीसरा गलत है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक वर्ड दिया हुआ है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये बैंक में भी कभी कभी पूछ लेते हैं, उलझे हुए, ये जो आपके पास एक वर्ड है ये रैंडम लिखे हुए कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, अक्षरों को सुलझाएं, मतलब इन्हें हमें सही करना है, इनको सॉर्ट करना है जिससे वह अंग्रेजी का एक शब्द बन जाए, ठीक है, जिससे क्या होगा वो इंग्लिश का एक वर्ड बन जाएगा, और उस फिर सुधरे हुए वर्ड को, उस सुधरे हुए शब्द को का पांचवा अक्षर हमें बताना है। तो देखो यहां पे अगर आप गौर से देखो तो डबल सी आई टी आर के ई, तो ये कुछ क्रिकेट जैसा नहीं लग रहा आपको, सी आर आई सी के ई टी, ठीक है, तो जब मैं यहां किसकी बात करूंगा, क्रिकेट की, सी आर आई सी के ई टी, तो यहां पे मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये वर्ड तैयार हो जाएगा, सी आर आई सी के ई टी। तो इस वर्ड के अंदर अब देखो, क्रिकेट में डबल सी आ गया मेरे पास में, आई आ गया, आर आ गया, के आ गया, ई आ गया और टी आ गया, सारे आ गए, ये ई है, ध्यान रखना। तो क्रिकेट के अंदर अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि सुलझे हुए शब्द का पांचवा अक्षर बताएं, तो पांचवा अक्षर यहाँ पे उसे थोड़ा सा और लिखना चाहिए था कि बाएं से बताएं कि दाएं से बताएं, लेफ्ट या राइट, ठीक है, तो हम दोनों ही बता देते हैं। अगर मैं लेफ्ट एंड से बात करूं, ये लेफ्ट एंड हो गया, ये राइट एंड हो गया, लेफ्ट से बात करूं तो पांचवा अक्षर होगा 1 2 3 4 5, के आंसर हो जाएगा। यदि मैं कब बात करता हूं, जब मैं लेफ्ट एंड से पांचवें अक्षर की बात करता हूं, लेफ्ट से फिफ्थ अगर मैं बोलता हूं तो, ठीक है, और राइट से बात करता हूं तो 1 2 3 4 5, आई जो है वो आंसर हो जाएगा, वो कब होगा, जब मैं राइट से फिफ्थ बोलता हूं। ये क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा करेक्शन आप कर लेना, वो उसने लेफ्ट और राइट लिखना वो यहाँ पे मिस कर दिया है, एग्जाम में नहीं हुआ होगा ये, क्वेश्चन बनाते समय जो भी हुआ है वहां पे ये दिक्कत आई है, ठीक है। और फिर सुलझे हुए शब्द का पांचवा अक्षर बताएं, तो पांचवा अक्षर यदि राइट से है तो आई हो जाएगा, और लेफ्ट से है तो के हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास में, क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि यहाँ पे 5 विद्यार्थी हैं, ठीक है, और ये जो 5 विद्यार्थी हैं मेरे पास में, उन 5 विद्यार्थियों के नाम दिया है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं एक करेक्शन करवाई देता हूँ ऑलरेडी, इस क्वेश्चन में ये जो से लिखा है इसको काट लेना, और इस से को यहाँ मेंशन कर देना रिहान के बाद में, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अगर उस तरीके से सॉल्व करोगे तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो 5 विद्यार्थी प्रियंका, मैरी, सुनील, आशा और रियान एक कतार में खड़े हैं, ठीक है, ये एक लाइन में खड़े हुए हैं, प्रियंका और सुनील रियान से आगे खड़े हैं, समझ में आ रहा है सेंटेंस में, ठीक है, प्लूरल है, तो प्रियंका और सुनील रियान से आगे खड़े हैं, तो जब प्रियंका और जो सुनील हैं वो रियान से आगे खड़े हैं तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। आगे देखो, प्रियंका और सुनील रियान से आगे खड़े हैं, रियान और आशा के बीच सुनील खड़ा है, अच्छा ठीक है, रियान और आशा के बीच सुनील खड़ा है, तो यहाँ सुनील आ गया मेरे पास में, तो मैं देखो यहाँ लिख देता हूँ सुनील, रियान, आशा, ठीक है, क्योंकि रियान से तो ऊपर ही है सुनील, तो और ऊपर तो आशा जा नहीं सकता क्योंकि रियान को बीच में रखना है, तो क्या हो जाएगा, सुनील, रियान, आशा,
क्योंकि उसने क्या बोला है कि रियान और आशा के बीच सुनील खड़ा है, ठीक है। तो रियान और आशा के बीच सुनील खड़ा है, तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, रियान और आशा के बीच सुनील खड़ा है, तो सुनील, रियान और आशा, तो आशा यहां पे आ जाएगा आपके पास, ऐसे आ जाएगा आशा सुनील रियान, क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलिए फिर से बता देता हूं, प्रियंका और सुनील रियान से आगे खड़े हैं, तो प्रियंका और सुनील रियान से आगे खड़े हैं, यहां तक हमने देखा था, और रियान और आशा के बीच सुनील खड़ा है, तो रियान और आशा के बीच सुनील खड़ा है, ठीक है। आगे देखो, सुनील और मैरी के बीच रियान खड़ा है, अब सुनील ये रहा, ठीक है, रियान ये रहा, सुनील और मैरी, मैरी को नीचे आना पड़ेगा तभी सुनील और मैरी के बीच में रियान खड़ा होगा, तो चार हो गए, पांच विद्यार्थी थे, ठीक है, उसमें से पी और एस जो थे ये रियान से ऊपर थे, ठीक है। तो अब ये पता लग जाएगा हमारे पास में कि कौन बचा, तो देखो ये रिदम तो मेरे पास में पूरा हो चुका है, आशा और रियान के बीच में सुनील का, और सुनील और मैरी के बीच में रियान का, ठीक है। तो अब उसने पूछा है कतार में सबसे ऊपर कौन होगा, तो भैया कतार में सबसे ऊपर कौन होगा, प्रियंका हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इनका तो ऑर्डर उन्होंने सेट कर दिया है कि आशा और रियान के बीच में सुनील है, ठीक है, और सुनील और मैरी के बीच में रियान है, ये फिक्स हो चुका है ऑर्डर। तो अब जो बचा है, और वो बड़ा ही होगा क्योंकि रियान से बड़ा है, तो रियान से बड़ा है तो वो बिल्कुल टॉप पे चला गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रियंका। यहां तक मेरे हिसाब से सबको बात क्लियर होगी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से जो अनोखा है उसे ढूंढने, मतलब ऑड वन आउट बताना है, क्या बताना है, ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, ठीक है, ऑड वन आउट बताना है। तो देखो यहां पे क्या क्या दिया हुआ है, शुतुरमुर्ग दिया हुआ है, ठीक है, शुतुरमुर्ग के बाद दूसरा दिया हुआ है कौवा, फिर कबूतर और गौरैया, तो गौरैया भी उड़ता है, ठीक है, अंडे तो ये चारों देते हैं, गौरैया भी उड़ता है, कबूतर भी उड़ता है, कौवा भी उड़ता है, लेकिन एक शुतुरमुर्ग ही ऐसा है जो उड़ नहीं सकता, बात समझ में आ रही है, केवल शुतुरमुर्ग ही एक ऐसा है जो उड़ नहीं सकता, बाकी कौवा, कबूतर और गौरैया तीनों उड़ते हैं, और अगर हम उसको मैमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें चारों ही अंडे देते हैं, इसलिए वहां से हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन उड़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से शुतुरमुर्ग अलग हो जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, शुतुरमुर्ग, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन बस वही है वहां पे क्लिक करता है कि नहीं, कि काऊ की कोटिंग 41 है, तो यहाँ पे आपको अल्फाबेट्स की नंबरिंग आनी चाहिए, नंबरिंग आती है तो आप उनको ऐड करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, सी की नंबरिंग 3 है, ओ की 15 है और डब्ल्यू की 23 है, और जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो यहां से आपको मिलेगा 41। इसका मतलब क्या है कि जो भी वर्ड दिया हुआ है उस दिए हुए वर्ड के लेटर्स की नंबरिंग का एडिशन, ठीक है, यहां भी करके देख लो, जब आप गॉट के केस में करोगे तो G की नंबरिंग हो गई 7, ये नंबरिंग अगर याद नहीं है तो दिक्कत आएगी, O की नंबरिंग 15, A की नंबरिंग 1 और T की नंबरिंग 20, ठीक है, तो यहां से 15 और 1 तो 16 हो गया, 16 और 20 मिलके 36 हो गए, और 36 प्लस 7 मिलकर के 43 हो गए, बात समझ में आ गई, तो गॉड की आपके पास नंबरिंग कितनी हो गई, 43। ऐसे ही डॉग का करना है, तो देखो डॉग के अंदर जो डी की नंबरिंग होती है वो 4 होती है, O की नंबरिंग होती है वो 15 होती है, और G की नंबरिंग 7 होती है, तो यहाँ से जब आप करोगे तो 4 और 7 11 होता है, और 11 और 15 26 होता है, तो आंसर आ जाएगा 26, बात समझ में आ रही है सबको। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन जरा हम देख लेते हैं, आपको ये थोड़ा देखना पड़ेगा तभी हम इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, आपकी ओर चेहरा किए हुए 5 लड़कियां आपके सामने खड़ी हुई हैं, इसका मतलब ये अगर कोई व्यक्ति है तो उसके सामने 5 लड़कियां खड़ी हुई हैं उसकी तरफ फेस किए हुए, मतलब एक तरीके से टीचर और स्टूडेंट मान लो, ठीक है, उनके नाम दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या है, क्रमशः ऊर्जा के दाएं और बाएं ओर बैठी है कौन, रूही और मनाली, रूही और मनाली ये दो लड़कियां हैं, ये क्रमशः ऊर्जा के दाएं और बाएं, अगर ऊर्जा को मैं डब्लू से बोलता हूं तो डब्लू के क्रमशः, क्रमशः मतलब रूही, उसके दाएं मतलब राइट, दाएं का मतलब होता है राइट और बाएं का मतलब होता है लेफ्ट, तो रूही तो राइट में बैठी है और मनाली जो है वो लेफ्ट में बैठी है, ठीक है, रूही राइट में बैठी है और मनाली लेफ्ट में बैठी है, क्योंकि क्रमशः बोला है, ठीक है, इमीडिएट बैठी होंगे ये हमें मान के चलना है, और रेस्पेक्टिवली है। अच्छा आगे उसने क्या बोला है,
कि मनाली और तान्या के बीच कौन बैठा है, ध्वनि, ध्वनि नाम की लड़की मनाली, मनाली ये है, और मनाली और तान्या इधर आ नहीं सकता, तो तान्या को मैं ये ले लेता हूँ यहाँ पे, मनाली और तान्या के बीच में ध्वनि, ध्वनि को डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो कितने लोग हो गए, तीन और दो पांच, तो ये हो गई हमारे पास में कौन, तान्या, ये हो गई ध्वनि, ये हो गई मनाली, मनाली, ठीक है, ये हो गई हमारे पास में ऊर्जा, ये कौन हो गई हमारे पास में ऊर्जा, अच्छा यू से कर देते हैं ऊर्जा, ठीक है, इसको यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं ऊर्जा, और लास्ट में हमारे पास कौन हो गया, रूही, ठीक है। तो ये सारी हो गई, अब बस क्वेश्चन को सॉल्व करते चलते हैं। तान्या के दाईं ओर कौन बैठी है, तो तान्या के दाईं ओर ध्वनि बैठी है, तान्या के दाईं ओर कौन बैठी है, ध्वनि बैठी है, ठीक है। इनमें से कौन बीच, कौन बैठा है, ठीक है, इनके बीच में कौन बैठी है, तो इनके बीच में कौन बैठी है, इनके किसके, ये हम चेक कर लेते हैं, तो इनके बीच का मतलब है बीचों बीच, मतलब पांच लोग हैं तो बीचों बीच की बात की जा रही है, तो आंसर आ जाएगा मनाली, ठीक है। इनके बीच कौन बैठा है, तो टोटल पांच है, तो सबसे बीचों बीच की बात की जाएगी, दो इधर और दो इधर, तो कहाँ आ जाएगा, मनाली आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ध्वनि और रूही के बीच कितनी लड़कियां हैं, तो ध्वनि ये रहा और रूही ये रहा, तो मनाली और ऊर्जा केवल दो लड़कियां हैं इनके बीच में, यहां तक बात क्लियर हो रही है सबको। चलिए तो आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं हम। अच्छा, यदि वृत्त का रिलेशन परिधि से, वृत्त मतलब होता है सर्कल, और सर्कल का रिलेशन यदि सर्कमफ्रेंस से है, सर्कमफ्रेंस से है, तो वर्ग जिसको हम स्क्वायर बोलते हैं, तो स्क्वायर का रिलेशन किससे होगा, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है, तो स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर मतलब परिमाप, तो जैसे वृत्त का परिधि होता है वैसे ही वर्ग का परिमाप होता है, ठीक है, जो कि क्या बताता है, उसकी लेंथ बताता है। यहां तक सबको मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी, क्लियर है। चलिए तो ये हमारे पास सेट नंबर वन था, जो कि हमारे पास में जो पेपर आया था प्रीवियस ईयर का, उसका एक पेपर में आए हुए रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने देखे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम सेट नंबर टू के लिए बात करेंगे कि सेट नंबर टू में हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, और बीच में जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको इंपॉर्टेंट दो तीन जो टॉपिक हैं, क्लॉक, कैलेंडर वगैरह, ठीक है, डाइसन क्यूब्स, ये टॉपिक मैं आपको करा दूंगा, ताकि वो भी टॉपिक आपके ना फंसे, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।